प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना संक्रमण के बचाव व टेस्टिंग लैब के द्वारा किए जा रहे कोरोना टेस्टिंग के साथ ही जुलाई के माह के प्रथम सप्ताह में होने वाले वृक्षारोपण अभियान की तैयारियां की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, प्रभागीय वन अधिकारी अविनाश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने कोरोना के बचाव के मद्देनजर की गई तैयारियों की समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि कोरोना के टेस्टिंग में कोई लापरवाही न बरती जाए। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में लगने वाले 25 करोड़ पौधारोपण के लिए तैयारियां पूरी कर लें। जहां भी पौधे लगने हैं वहां एक दिन पहले ही पौधे पहुंचा दिए जाएं, जिससे कि सरकार की मंशा के अनुसार एक दिन में ही 25 करोड़ पौधारोपण किया जा सके। भोजन समय से ना मिलना, क्वालिटी ठीक ना होना, सफाई ना होना, डॉक्टर्स का विजिट ना करना, ये शिकायतें बड़ी कॉमन हैं और कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं, मेरे स्तर से भी पेपर आ चुका है। तो अब इसमें आगे अगर शिकायतें आती हैं, बनी रहती हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई लेवल फिक्स करने की बात होगी। तो मैं चाहूंगा कम से कम मरीज ने इस काम शिकायत की आपके यहाँ नहीं है, लेकिन नॉर्मली मरीज शिकायत नहीं करेगा जब तक कि वाकई इस तरह की शिकायत ना हो, फिर तो ये बात मुझे नहीं थी, इसमें कोई दिक्कत कोई होना चाहिए। दूसरी बात, नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में ये जो ध्यान रखें कि वहाँ पे चाहे इमरजेंसी पेशेंट हो चाहे सिविल इमरजेंसी हो, वेटिंग पीरियड ज्यादा ना हो, भीड़ ना लगे, तुरंत उनका ट्रीटमेंट उनको मिले, ये ना हो कोई इमरजेंसी आया हुआ है, मशीन में हम रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, उस बीच में इलाज करने में 2 घंटे लग गया, उसमें ही वो डेथ हो गई। तीसरी बात मुझे कहनी है सभी से, देखिए जितने भी कोविड पॉजिटिव लोग आप हैं, बिल्कुल ना घबराने की जरूरत है ना ही कोई परेशान होने की आवश्यकता है। हाँ, प्रिकॉशंस जरूर लेनी है, अगर हम सर्वेलेंस का काम और जो प्रिकॉशंस लेनी है उसका काम पूरी गाड़ी से करेंगे तो हमारे केसेस भी लगता कम होंगे, कॉन्टैक्ट टेस्ट पर नहीं करेगा वहां तक तो ठीक है। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होता है, जितनी हमें जानकारी मिल जाए उतना ही अच्छा है। तो इसलिए जो मॉर्टलिटी है ये निश्चित रूप से काम तो पीछे है, उनके लिए इसको ठीक कर रहे हैं। धन्यवाद सर, मैं बहुत ही संक्षेप में केवल आपका 5 मिनट लूंगा। देखिए, एक तो ये है कि जो लैब्स हैं उनकी कैपेसिटी अब काफ़ी बढ़ गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की है कि हम लोगों को क्विकली 20,000 टेस्ट पर डे और उसके बाद फिर 25,000 टेस्ट पर डे करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लैब्स में हम 20,000 के आसपास हम सैंपल्स भेजें और जब 25,000 होना होगा तो कम से कम 23,000 सैंपल लैब्स को भेजें। गोयल साहब ने भी आप लोगों को सजेस्ट किया था कि 300 सैंपल प्रतिदिन आप भेजना शुरू करिए, जो VTM है उसकी कोई कमी नहीं है और आगे का हम फिर अरेंज कर लेंगे। तो एक तो कि आप लोग लखनऊ में कल 1209 सैंपल भेजे गए और वहीं पर अगर हम देखें कानपुर देहात में 64 और फरुखाबाद में 58 भेजे गए। तो जब पहले से भी कहा गया था कि 100 से कम तो भेजना ही नहीं है, तो यह 58 और 64 का मतलब ही नहीं है, 200 से कम कहीं से नहीं आना चाहिए और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 300 के करीब आप रोज भेजें। एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात कि आपको हर एक जिले में ट्रूनेट मशीन दे दी गई है, इसमें आपको हर घंटे के हिसाब से सोने का लेनी चाहिए और जिस साइड में भी लगने हैं उस साइड में भी बहुत भीड़ ना हो उस हिसाब से भी पावर अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। और जल्दी शुरू करेंगे ये मेरा, क्योंकि बरसात तक मौसम जुलाई में
थोड़ा बहुत पानी भी आ सकता है, बूंदाबांदी हो सकती है, उसके बारे में बताएंगे आपको ये। लेकिन अनुभव यह है कि जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे आप उतनी अच्छी याद रहता है। वैसे तो आप शाम को लगाने की बात करते हैं, लेकिन शाम को अगर पानी बरसने लगा तो आप अंधेरे में पौधे ले सकते हैं, ब्लैक लाइट जब भी जल पाएंगे। तो मेरा मानना है कि सुबह जितना अर्ली स्टार्ट करें आप, क्योंकि पौधे लेना, वहाँ साइड पर पहुँचाना, साइड पर आप भी पहुँचे, जितना जल्दी आप पानी में स्टार्ट करते हैं, गर्मी का समय है, उतना ही जल्दी आप इसमें तो फिक्स कामयाब हो सकते हैं। तो ये कोशिश मत करिए, कोविड के चक्कर में ये प्रयास मत करिए किसी साइड में आपका होटल का आपका कमरा के पास आ जाए, बैक बॉल बचाना शुरू हो जाए। तो एक घंटे में 10 पौधे आराम से आ सकते हैं।